स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। एम कॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री डायरेक्ट टैक्स आज हम लोग करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर टू है। और चैप्टर नंबर टू हमारा है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये वीडियो टीवाई बी कॉम सेमेस्टर फिफ्थ स्टूडेंट, एम कॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स हम लोग कर रहे हैं, तो लेट स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर टू, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल रेसिडेंट। तो पेज नंबर है हमारा 20, तो लेट स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इस पूरे लेसन में क्या है, किस तरीके से करना है, जो बुक में है मैं वही प्रोवाइड आपको कर रही हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक का हम लोग करेंगे। ओके, तो जिसके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, इस बुक से हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि हम स्कोप ऑफ इनकम में क्या देखेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट इज टू बी इंक्लूड इन इनकम डिपेंड अपॉन Who earn the income? Income कौन earn कर रहा है? Who earn the income? Example, whether a resident in India or non-resident. चाहे वो इंडिया में resident हो इंडिया का या फिर ना हो। When the income arise? Income कब arise होती है? Example, whether in previous year or not. Where the income arise? Income कहाँ पे arise होगी? इंडिया में होगी या outside इंडिया में होगी? तो स्कोप ऑफ इनकम डिपेंड अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस। स्कोप ऑफ इनकम किस में डिपेंड करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस में, एज वेल एज प्लेस एंड ईयर ऑल्सो। द हु, व्हेन, वेयर ऑफ इनकम इज एक्सप्लेन, हम लोग डिटेल में करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो सेक्शन 5 होता है, सेक्शन 5 हमें बताता है स्कोप ऑफ इनकम के बारे में, सेक्शन 6 हमें बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी एक इंडिविजुअल, ओके, पर्सन होगा, तो पर्सन्स में लाइक एग्जांपल्स की कोई पर्सन, तो रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 हमें बताएगा, क्या बताएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, कि कोई पर्सन वो रेसिडेंट है कि नहीं है, है ना। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम जानेंगे, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर कोई दो टाइप के होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन 6 हमें बताता है, एक तो इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दूसरा है फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनीज एक्सेट्रा। अब इंडिविजुअल जो फर्म है उसके भी टाइप होते हैं दो, उसके दो टाइप है जो किया है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो उसको कुछ कंडीशन है जो चेक करनी होती है, और नहीं है रेसिडेंट तो क्यों नहीं है। नॉन रेसिडेंट मीन्स के रेसिडेंट नहीं है, हमारे यहाँ का रहने वाला नहीं है, और रेसिडेंट मीन्स के रहने वाला है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सिटीजन से लें, सिटीजन अलग है और रेसिडेंट अलग है, वो हम आगे बात करेंगे। तो रेसिडेंट के टू टाइप होते हैं, पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब कि जो इधर ही रहने वाला है, ऑर्डिनरी है, कंटिन्यूस इधर का ही है, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो रेसिडेंट है बट वो ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी मतलब कि इधर का ही रहने वाला है, बट ऐसा इधर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, मतलब नॉट ऑर्डिनरी मतलब नॉट ऑर्डिनरी। ओके, फर्म एसो एओपी, लोकल अथॉरिटी एंड कंपनीज एक्सेट्रा, इनके दो टाइप है। दो टाइप कौन से, एक रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट मतलब जो रहने वाले होंगे वो, और नॉन रेसिडेंट मतलब जो यहाँ के नहीं है, इंडिया के नहीं है। तो पूरा डिटेल में हम जानते हैं कि एक एक चीज हम लोग देखेंगे। पहला हम रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, क्या हम पहली चीज देखने वाले हैं जो कि है पहला, ये हमारा चार्ट दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले हम रेसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, इंडिविजुअल के इसमें या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनमें से रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट है। सबसे पहले हम रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि एक इंडिविजुअल का, जो कोई एक रेसिडेंट है अगर इंडिविजुअल, तो उसके बारे में कौन कौन सी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्यों अप्लाई होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सुन लीजिए। कंडीशन है, ही इज इन इंडिया, वो बंदा इंडिया में रहना चाहिए, एंड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर कुछ फोर पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब कि 182 दिन, 182 डेज और उससे ज्यादा दिन उसको रहना चाहिए, कभी प्रीवियस ईयर में,
कभी प्रीवियस ईयर में। देखो अभी करंट में हम नहीं लेंगे, हम प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। जैसे कि कंपनी में अगर बैलेंस शीट की जाती है तो 31 मार्च, ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर आज आपकी सैलरी है तो आपकी सैलरी आज से नहीं टैक्सेबल होगी, पिछले साल का आपका देखा जाएगा कि पिछले साल में आपकी कितनी टैक्स थी, है ना। तो पूरा डिटेल में इसी तरीके से रहता है। तो पिछले साल के 182 दिन आपको रहना चाहिए, है ना, कि आप रहने चाहिए भारत में और उसे ज्यादा। सेकंड अपनी कंडीशन है ये, फर्स्ट वाली अप्लाई करो या फिर ही इज इन इंडिया 365 डेज और मोर ड्यूरिंग, मतलब पिछले चार साल में अगर आप 365 दिन भी रहे हो तो फिर काफी है, आप रेजिडेंट माने जाओगे। और अगर इज इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब पिछले सालों में अगर आप 60 ऐसे रहे हों, मतलब पिछले साल में अगर आप 60 दिन रहे हों पिछले साल में, मतलब कि जैसे सपोज 4 साल है तो इस साल भी 60, मतलब एक साल में 60 दिन रहे हो, इसमें भी एक 60 दिन रहे हो, इसमें भी, ओके, तो 60 दिन रहे हों, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब इसका मतलब कि वही बंदा जो ये कंडीशंस सेटिस्फाई जिसका होगा वही रेसिडेंट माना जाएगा, वरना नहीं। देन आते हैं करंट असेसमेंट ईयर में, कि वही होता है करंट असेसमेंट ईयर, एग्जांपल के थ्रू हम इजीली समझेंगे। अब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या चक्कर है, इसका क्या कंडीशन है। देखो रेसिडेंट हमने समझा रेसिडेंट में पूरा डिटेल में समझा। नॉन रेसिडेंट मतलब क्या, जो नहीं है, है ना, वो नॉन रेसिडेंट है, जो रहेगा नहीं वो नॉन रेसिडेंट है इजीली। मतलब कि सेक्शन 230 हमें बताता है कि नॉन रेसिडेंट मींस के हु इज नॉट अ रेसिडेंट, जो रेसिडेंट नहीं है उसे हम नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। अब आते हैं नॉन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में हमारी कंडीशन है, और कंडीशन वो इस तरीके से है कि पिछले दस सालों में सिर्फ और सिर्फ अगर 2 साल भी आप रहे हैं तो आप मान लिए जाओगे कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं भारत के। और अगर ये भी नहीं हो पाता तो सोचो, सपोज कि पिछले सात सालों में आप सिर्फ और सिर्फ 730 दिन भी रहे होंगे, पिछले 7 सालों में अगर 730 दिन भी आप भारत में आप रहे हैं तो आप रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, मतलब आप रहवासी हैं, भारत के ही रहने वाले हैं। अब हम क्यों ये पता कर रहे हैं, क्योंकि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि जब हम सम करेंगे तो हमें टैक्सेबल है या नहीं है ये हमें चेक करना होता है। That's why it is a very important. तो let's start करते हैं। हमने ये चेक कर लिया और नॉन इंडियन नॉन रेसिडेंट में क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट में कि जो नहीं है रेसिडेंट उसे हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा चार्ट कंप्लीट किया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में जाना, रेसिडेंट क्या होता है उसकी कंडीशन देखी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखा। अभी हम देखने वाले हैं नॉन रेसिडेंट भी देख लिया है कि जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये क्या है, अब हम जानेंगे कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अब ये क्या होता है, तो एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट, जो कि वो रेसिडेंट है अकॉर्डिंग टू हमने अभी तक जितना देखा वो। एंड देन बट हु फेल टू सेटिस्फाई एडिशनल टेस्ट, जो हमने सेक्शन 6 का जो कंडीशन था अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉट रेसिडेंट हो जाएगा, वो रेसिडेंट नहीं होगा। कैसे, तो देखो यहां पे हमें क्लियरली बोला गया है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वही होगा इफ सच अ पर्सन इज अ इंडिविजुअल हु हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, जो नॉन रेसिडेंट है इंडिया में 10 साल, पिछले 10 सालों में अगर 9 साल अगर रहे होंगे, एंड हैज ड्यूरिंग अ 7 previous year प्रोसीडिंग दैट बीन, अगर पिछले 7 सालों में अगर वो 729 दिन रहा होगा या फिर उससे कम, तो उसमें ये कुछ चार्ट अवेलेबल है, इसमें से हम देखेंगे। जैसे कि एबीसी है रेसिडेंट है, ओके, सी इज लेस देन 2, मतलब कि इससे कमी है,
तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. और अगर ये सी जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगर वो इतना रहता है, ठीक है, और फिर लेस देन 2 है, मतलब कि 2 से कम है, तो फिर नॉन रेसिडेंट. इन सिंपल की जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई करनी है. अगर आप नहीं करते जो लेस देन 730 डेज है अगर आप रह लेते तो फिर ठीक है, नहीं तो नॉट रेसिडेंट. ओके, तो जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉट रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऑर्डिनरी रेसिडेंट में हमारी कुछ कंडीशंस थी. कंडीशंस ये थी कि आउट ऑफ 10 सालों में 2 साल रहना है और पिछले 7 सालों में 730 दिन रहना है. और अगर ये कंडीशन ऑर्डिनरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, हमारी रेसिडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बट ऑर्डिनरी वाली नहीं हो रही है तो नहीं हो रही, तो उसका मतलब कि ये नॉट रेसिडेंट हो जाएगा. ओके, तो ये था हमारा. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट के ऊपर. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.